नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ़ कालू सिंह गुजर और एक नया बहुत पॉपुलर लेके आ रहे हैं जो कि आप इजी वे में होममेड तरीके से बना सकते हैं, जिसका हमने नाम दिया है ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। ढाबा स्टाइल पनीर मसाला नाम दिया है, जिसका बहुत इजी वे में बना सकते हो आप, जिसको हम घर में भी बहुत शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, इजी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट्स के साथ में देन आपको आज ढाबा स्टाइल पनीर मसाला दिखाऊंगा, यानी कि पनीर मसाला हमने कैसे बनाना है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमारे को। छोटे से इन्ग्रीडियंट्स में आप बड़ी चीज़ बना के खा सकते हो, विद इन फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स शो कर देता हूँ, देन हमने पनीर मसाला कैसे बनाना है वो दिखाऊंगा आपको। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये पनीर मसाले के लिए सबसे पहले हमारे पास पनीर है, पनीर, देन उसके बाद हमारे पास ये ऑनियन हो गया, देन ये ग्रीन चिल्ली हो गया, टमाटो हो गया, देन उसके बाद इस हमारे जो स्पाइस हैं उसमें साल्ट हो गया, गरम मसाला हो गया, चिल्ली पाउडर हो गया, देन कोरिएंडर पाउडर हो गया, देन ये हमारा ग्रीन कोरिएंडर जो फ्रेश है ये हो गया, देन उसके बाद ये हमारा फ्रेश क्रीम हो गया, हल्का सा हम इसमें टमाटो ग्रेवी यूज़ करेंगे, देन ये ऑयल हो गया। तो सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद जीरा डालेंगे, जीरा डालने के बाद देन टमाटो ऑनियन और ग्रीन चिल्ली एक साथ सौते करेंगे, देन उसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेस्ट डालने के बाद देन हमारा नमक मिर्ची हल्दी ये सब डालेंगे, ये डालने के बाद देन हम पनीर, पनीर डालने के बाद देन हमारा टमाटो ग्रेवी। तो इजी इस रेसिपी से आप इजी वे में आप बहुत शॉर्टकट तरीके से, यानी कि पनीर मसाला जिसको हम ढाबा स्टाइल में बोल सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल में बोल सकते हैं, तो इस तरीके से आप पनीर मसाला बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है। पनीर मसाला आप इजी वे में बना के और इस तरीके से रेसिपी से यानी कि बना के इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना नज़दीक से, ये हमने बिठा दिया सबसे पहले पैन, यानी कि पैन या भी आप किसी भी नॉन स्टिक में या किसी भी पैन में या छोटे कढ़ाई में उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बिठाओगे, ये बिठाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑयल डालना है। तो ऑयल उतनी क्वांटिटी में डालना है जितनी क्वांटिटी में हमने पनीर बनाना है। तो सबसे पहले यानी कि 2 डिनर स्पून हमने एक पोर्सन के लिए 2 डिनर स्पून ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद देन सबसे पहले हमने ये जीरा डाल दिया, जीरा को हम थोड़ा सा यानी कि रोस्टेड करेंगे, हल्का सा रोस्टेड करने के साथ साथ देन ये हमारा ऑनियन हो गया। ऑनियन के साथ साथ ही आपको क्या करना है, ग्रीन चिल्ली ऐड कर देना है, देन उसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से ब्राउन करना है, ये हमारा इस तरीके से आपको ये गोल्डन ब्राउन कर लेना है ऑनियन। ये करने के साथ साथ देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद देन आपको क्या करना है, ये टमाटर डालना है। सबसे पहले आप टमाटर डालोगे, बाद देन क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका क्या हो गया, ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट के बाद देन आपका थोड़ा सा देगी मिर्ची हो गया, देन आपका थोड़ा सा ये मिर्ची पाउडर हो गया, देन थोड़ा धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला पाउडर हो गया, देन उसके बाद थोड़ा सा आपका ये हल्दी पाउडर हो गया, ये इसके बाद देन आपको क्या करना है, इस तरीके से इसमें नमक मिर्ची डालना है, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑनियन टमाटर के साथ में इसको सौते कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, ये पनीर डालोगे आप, सबसे पहले पनीर डालोगे, इसको थोड़ा ऐसे सौते करोगे, ये सोते करने के बाद देन आपको क्या करना है, टमाटो ग्रेवी डालना है, ये इस तरीके से हमने ये टमाटो ग्रेवी डाला, थोड़ा सा और डालेंगे हम टमाटो ग्रेवी, यानी कि 1 लेडल टमाटो ग्रेवी डालना है आपको, 1 लेडल टमाटो ग्रेवी डाला, देन हमने ये हमारा क्रीम है, 1 डिनर स्पून हम ये क्रीम डालेंगे, देन लास्ट में क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये आपका ग्रीन कोरिएंडर हो गया, आपका थोड़ा ये कसूरी मेथी हो गया, साथ आपको क्या करना है, इसको वेल्डन कुक करना है, यानी कि पका लेना है थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा थिक हो जाएगा
यानी कि थोड़ा सा थिक होना चाहिए, थिन भी नहीं कर दे सकते हम लोग, तो थिक होना चाहिए इस तरीके से। ये हमने जो बनाया है ये इस तरीके का ही कलर होना चाहिए आपका, देन इस तरीके का थिक होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और आपको इसको कुक करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, अभी हम लोग प्लेट में प्रेजेंट करेंगे इसको। इस तरीके से आपको पनीर मसाला बनाना है, देन हम इसको सर्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। इस तरीके से इतना ठीक होना चाहिए जो कि मैं आपको डाल रहा हूँ आपके सामने प्लेट में। ये इस तरीके से प्लेट में डाल सकते हो आप, और इतना ही ठीक होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है। को क्या करना है, गार्निशिंग में थोड़ा सा जैसे आपने ये ग्रीन कोरिएंडर डाल दिया, आपको क्या करना है उसके, ये थोड़ा सा आपको क्रीम है जो इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा ये क्रीम चाहिए। देन उसके साथ साथ आप इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। सर्व मींस की यानी कि इस तरीके से बना के देन आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय के साथ साथ देन आपको पता ही है, अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ आप चैनल को सब्सक्राइबर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, नए वीडियोस आपके पास अवेलेबल होता रहेगा। देन कमेंट्स करें, कमेंट्स में आपको जैसा भी और भी कोई प्रेजेंट चाहिए पनीर में, टाइप्स ऑफ वेराइटी इंडियन से, यानी कि जो आज हमने ढाबा स्टाइल पनीर बनाया है यानी कि पनीर मसाला बनाया है, तो पनीर मसाला आप इस तरीके से बना के देन खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच।